બિસ્કિટ મારો દીકરો લે ખા લે ખા મમ્મી કી તબિયત ખરાબ હે ના બેટા ઇસકે લિયે તુજે બજાર કે હી બિસ્કિટ ખિલા રહી હું હા અભી અરે બાપરે અરે પાછો અરે નહીં અરે આઈસ્ક્રીમ ચક્કે નહીં લા સકતા થા જયંત હા તો કિતની સારી આઈસ્ક્રીમ ચખને કો મિલતી માલુમ મેંગો સ્ટ્રોબેરી ચીકુ મસ્ત અરે એસે કૈસે કોઈ આઈસ્ક્રીમ ચખને કો દેતા હૈ અમોલ દાદા और ये हमारे अन्ना अपनी दुकान की भाखरवड़ी किसी को चखने देते हैं क्या कैसे बोलते हैं साबुन खरीदने जाते हो तो बदन पे पहले क्या साबुन घिस के देखते हो ऐसा बोलते हैं कि नहीं अपने घिराक को बरोबर है ऐसा क्या बोल रहे हो प्रभाकर दादा अरे मैं कहां ए ए ए प्रभाकर तू तू इसकी बातों में मत आ समझाना तू और कैसा ये नालायक को बोल दे कि ये नालायक को बोल दे कि मेरा नाम ही इसकी जबान पे आना नहीं चाहिए सुना वैसे अन्ना आप इसे घबरा के क्यों बोल रहे हो वो उधर डायनासोर है ना इसलिए बिस्किट पापा अन्ना बिस्किट कुछ कहना चाहता है तू तू तु, 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 तुझे सुनाई देता है क्या ये केशव ये कमाल है ना ये बंडिया को और वो महेंद्र भाव को सुनाई देता है ये कुतरा क्या बोलता है वो जानवर तो बिना बोले बहुत कुछ बोल देते हैं अन्ना हाँ और तेरे जैसा जानवर गंदी गंदी पिक्चर बनाता है जिसमें अश्लील गाने होते हैं वो अभी कौन सा वो गाना था इसकी पिक्चर में नाक तेरी लंबी है हाथी की सूंड मुझ पे लाके रख दे तू खुशबू मेरी सूंड खुशबू मेरी सूंड खुशबू मेरी खट्टी खट्टी नहाने से ली है छुट्टी खुशबू मेरी खट्टी खट्टी नहाने से ली है छुट्टी पसीने के नशे में हो जाएगा तू टून हो जाएगा तू टून खुद को सब याद रहता है एंजॉय भी करते हैं हां कसम अन्ना आप महेंद्र अंकल के घर जाकर देखिए ना हां अन्ना बिस्किट के चेहरे से लगता है कि वहां जरूर कुछ गड़बड़ है नहीं नहीं लेकिन यहाँ कितनी सारी गड़बड़ है हाँ कितने सारे लोग बीमार है घर में ही तो पहले इन पर ध्यान देता हूँ ना मैं सबके लिए नींबू पानी बनाता हूँ हाँ और फिर गर्मा गर्म खिचड़ी चलो चलो हाथ बटाओ चलो चलो नींबू पानी वेलकम ड्रिंक अरे वाह पहले हम पियेंगे वाह मस्त अच्छा चाचा वो बाथरूम में पानी नहीं आ रहा हो ही नहीं सकता पानी नहीं आता तो शरबत कैसे बनता एक टॉयलेट ही तो है जिसमें पानी आता है तो चाचा जी टॉयलेट के पानी से बनाया आपने नींबू शरबत हाँ तो आप आ रहे गायत्री ऐसा किया तूने हमारे साथ और आपने क्या किया ये अच्छा वाला बेड अपने हिस्से में ले लिया उसका क्या हो ना हमारा गद्दा ऐसा सिकुड़ा सिकुड़ा है मालूम है उससे अच्छा गायत्री मुझे बिछा के सो जाए और आपने पंखे वाली साइड ली उसका क्या हाँ पंखा तो ये पंखा है तो ये इलेक्ट्रिसिटी से नहीं ऐसे से हाथ से चलता है उसका बदला लेने के लिए टॉयलेट के पानी से बना नींबू शरबत पिलाएगी तू हमें हाँ महेंद्र हो सकता है कि गायत्री आपको उकसाने का प्रयत्न करे अपनी बात को सही साबित करने के लिए हाँ वो तो करेगी कल रात को उसके चेहरे पे साफ दिखाई दे रहा था लेकिन मैं भी उसका बाप हूँ उंगली पकड़ के चलना सिखाया ना अभी परिवर्तन की सही राह पर भी मैं उसे चलना सिखाऊंगा बोलो
अरे छोड़ो छोड़ो। देखो हम गायत्री भारती, हम यहाँ झगड़ा करने नहीं आए है ना, तो हमारे हिस्से का कूपन हम वसूल करेंगे, तुम्हारे हिस्से का तुम वसूल करना, लेकिन हम आपस में शांति से रहेंगे है ना, बराबर अभिषेक? हाँ बराबर बराबर। अन्ना आपको मजा नहीं आएगा, लेकिन एक बात कहनी है। बोलो। अब से हम आपसे कहानी नहीं सुनेंगे। क्यों बड़ा? क्योंकि आप कहानी तो सुनाते हैं। एक गरीब घर था, उन्होंने मुश्किल से अपने लिए खिचड़ी बनाई थी। एक दिन वहाँ से एक भूखा मुसाफिर जा रहा था, उसने खाना मांगा तो उस परिवार ने अपनी भूख ना देखते हुए सारी खिचड़ी उसको दे दी। ऐसी टाइप की कहानी है ना, आप हमें मत सुनाइए अन्ना। लेकिन उज्ज्वला, ये तो मस्त कहानी है, तुम लोगों को क्यों नहीं सुननी है? अन्ना जो कहानियों में कहते हैं ना, वो करते नहीं है ना। मेरे अन्ना? क्या मेरे अन्ना कर रहे हैं? हमारी बेचारी पड़ोसी उर्मिला आंटी हमारे तरह ही बीमार है, लेकिन अन्ना को उनका जरा भी ख्याल है? ऐसा कोई करता है क्या? अंधेरे में आंख मिचोली, मेरी फिल्म का खलनायक भी ऐसा ही है, स्वार्थी। ए, 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 रख, खिचड़ी रख, खिचड़ी रख नीचे। इसको अंदर किसने आने दिया? प्रभाकर दादा, अब बोलिए बोलिए, बड़े बोल रहे थे। आजा आजा अन्ना, कुछ नहीं बोलेंगे, मैं सब संभाल लूंगा, अब बोलिए। मैं कहाँ? गप्पा बस तू। अरे तू बाहर निकल, मेरी खिचड़ी खाता है और मुझे ही खलना एक बोलता है। वो भी आप ही के घर में अन्ना। अरे हाँ, हमारे ही घर में। चले निकल निकल, घुस क्या, निकल निकल मारा। उज्ज्वला विज्ज्वला, मैं जा रहा हूँ दुश्मन की छावनी में। चलो बच्चे लोग, तुम लोग मेरे साथ में चलो। उर्मिला बहन घर पे है क्या? ये देखो सो गई। उर्मिला बहन। उर्मिला आंटी आंखें खोलिए। उर्मिला आंटी जागी। आंखें खोलिए उर्मिला आंटी। क्या 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 हो क्या गया है? मर भी तो नहीं गई है? नहीं, मर नहीं गई। उर्मिला बहन बेहोश हो गई। उर्मिला बहन। देवा 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 देवा, मूर्छा आने पर शायद मस्तिष्क की। अभी एक भी वाक्य तू संस्कृत में बोलेगा ना, एक थप्पड़ खाएगा मेरे हाथ का। अन्ना आप सिर्फ कहते हैं, कभी थप्पड़ मारिए भी तो सही। बालिका शकुनी, जा अभी पानी लेके आ, शक्कर बिकर डाल के इनके लिए। इनके यहाँ है ना, हर डिब्बे में शक्कर मिलेगी तुझे। गुजराती लोग कितना मीठा खाते है। हो गया? हाँ हो गया। अभी दांत क्या दिखा रही है? जा जल्दी लेके आ। उर्मिला बहन। उर्मिला आंटी आंखें खोलिए। उर्मिला आंटी आंख खोली। अभी होश में आ रही है, होश में। उर्मिला बहन आ गए होश में आ गए। यार शाबाश। ए उर्मिला बहन, आप बेहोश हो गई थी तो आपने बताया क्यों नहीं हम लोगों को? हमारे गुजरातियों में बेहोश होते हैं ना अन्ना भाई, तो चुप रहते हैं। अभी इधर किधर गुजराती मराठी आ गया? क्यों आप नहीं बोले कि हम गुजरातियों के घर के हर डब्बे में शक्कर होती है? ये देखो बोलने की ताकत है नहीं और फिर भी झगड़ा करेगी। आप पानी पीने पियो, तब तक मैं आपके लिए कांजी और गर्मा गर्म खिचड़ी लेके आता हूँ। बिस्किट? अभी ये देखो फरमाइश चालू। बिस्किट चाहिए, चॉकलेट चाहिए, ये चाहिए, ते चाहिए। मैं खाने की बात नहीं कर रही हूँ, मेरे बिस्किट ने भी कुछ नहीं खाया होगा, ऐसा बोल रही हूँ मैं। वो कुत्रा किधर है? किधर? बिस्किट बिस्किट
ओ अन्ना, आप सोफे पे क्या चढ़ गए? अभी तो आपको इसकी भी देखभाल करनी पड़ेगी। मुझे क्यों? हाँ अन्ना, यहाँ ना महेंद्र अंकल है और ना हमारे घर में गायत्री काकी। तो तुम लोग तो हो ना? हाँ, लेकिन स्कूल भी तो जाना पड़ेगा ना हमें। हाँ ना भाई, मेरा ख्याल नहीं रखोगे तो चलेगा, लेकिन मेरे बिस्किट का तो रखना पड़ेगा। देश की 190 भाषाएं विलुप्त होने के कगार पर, चिंता की बात है कि हमारे देश की 10 भाषाएं ऐसी हैं जिसके जानकार 100 से भी कम लोग बचे हैं। एक ने किचन पकड़ के रखा है और दूसरे ने टीवी। कब से समाचार देख रहे हैं? हम क्या करेंगे गायत्री? भारती भाभी, आप टेंशन मत लो, किचन भी खाली हो जाएगा और टीवी भी फ्री हो जाएगा। एक बार अभिषेक को तड़का तो लगाने दो। मतलब? आगे आगे देखो। अभिषेक, अभिषेक क्या हुआ? क्या हुआ? नहीं, आप सो जाइए। और क्या हुआ? ये क्या कर रहे है तू? अरे अरे, पहले गरम तेल में राई जीरे का तड़का लगा, उसके बाद कड़ी पत्ता डाल। पापा, राई जीरा मैंने ऑलरेडी डाला है, देखो। अच्छा, लेकिन राई फूटने की तड़ 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 आवाज मुझे सुनाई नहीं दी। पापा हाँ, वो राई है, पटाखे तोड़िए कि उसी तड़ 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 फूटने की आवाज वहां कुर्सी पे टीवी देखते हुए आपको सुनाई देगी। तू मुझे ताना मार रहा है? वो कुर्सी पर मैं अपने शौक से नहीं बैठा था, तेरे लिए जगह पकड़ कर बैठा था मैं, और तू मुझे ताना मार रहा है? पापा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मुझे खाना बनाने दीजिए ना, हमारे पास सिर्फ 30 मिनट है, ये किचन इन लोगों को देना पड़ेगा। अरे हाँ तो हो जाएगा ना, मैं हूं ना तेरे साथ। चल, राई जीरे का तड़का फिर से लगा। अरे राई बराबर फूटनी चाहिए, तड़ तड़ आवाज कानों में गूंजनी चाहिए, क्योंकि अगर राई कच्ची रह जाएगी ना तो पूरी दाल कड़वी हो जाएगी। लेकिन पापा, मैं दाल नहीं बना रहा हूँ, तो मैं आलू की सब्जी बना रहा हूँ। आलू की सब्जी? हाँ, आलू की सब्जी में तू राई डालता है? हमारे मराठी स्टाइल में डालते हैं, बटाटा वड़ा भी ऐसे ही बनता है पप्पा, शायद आपको पता नहीं होगा। ए वाइडा, तीन तीन दुकानें चला रहा हूँ मैं नाश्ते और फरसान की, अब तू मुझे सिखाएगा? पापा, मैं ये कह रहा था कि आपकी दुकान पर बावर्ची भी बनाते हैं, लेकिन हमारी दुकान पे हम खुद सब कुछ बनाते हैं नियमित। और वही नियम है जिसके बलबूते पर दुकान 100 साल से प्रचलित है। भारती भाभी, आज अपनी उसी दुकान का उदाहरण दे रहा है आपका देवर, जिसे वो दकियान उसी समझता है ना? ये दुकान का नाम मैंने कहां ले लिया, मौका मिल गया गायत्री को ताना मारने का। ठीक है ठीक है, वैसे भी मुझे आपके साथ कुछ बैर बिर नहीं है। क्या है ना, अहमदाबाद के माल में गोखले बंदूक की शाखा खोलने का छल आपने तो नहीं ना किया था, तो उस वजह से मैं आपसे खुन्नस नहीं खाऊंगा। बड़े दिल वाले हैं मेरे अन्ना। वही तो। नहीं नहीं, आप समझे नहीं, उस वजह से नहीं खाऊंगा खुन्नस, लेकिन खुन्नस खाने की आपने पहले ही बहुत सारी वजह दे दी है। अभी बोलूं क्या? आप इतना बड़बड़ 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 करती है, इतनी कुड़कुड़ और जोयो 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 करके झगड़ा शुरू कर देती है, और मेरी जोत्सना को जोत जला जोत बुझा जय सूर्या ऐसा कुछ भी कह के बुलाती है। ऐसी बहुत सारी वजह है खुन्नस देने की। फिर भी आप मुझे यहाँ खिचड़ी खिलाने आ गए? नहीं, वो तो अभी आना पड़ा, बहन बोला है ना आपको, अभी रक्षाबंधन भी आ रहा है, तो ये जो सेवा कर रहा हूँ ना उसको मेरी तरफ से रक्षाबंधन का उपहार समझना। अभी रोने को क्या हो गया? यहाँ भाई और बहन के संबंधों के बंधन तो सुधर रहे हैं अन्ना भाई, लेकिन वहां गायत्री और अभिषेक, उनका क्या? क्या है ना उर्मिला बहन,
ये संबंध का तो ऐसा है कि कहीं बिगड़ते हैं कहीं बनते हैं। अभी मेरे संबंध अभिषेक और महेंद्र भाव के साथ बिगड़ गए, लेकिन उन दोनों के आपस के संबंध कितने अच्छे से सुधर गए। हाँ, अभिषेक को महेंद्र भाव ने बेटा बना के उसके साथ में दोस्ती कर ली है कि नहीं, बोलो। हाँ पापा, मैं आपको कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि खाना बनाना मुझे भी आता है। मुझे खाना बनाना नहीं आता, ऐसा बोला मैं? नहीं, ऐसा बोला मैं? अरे भाई, जिसे खाना बनाना आता हो उससे गलती नहीं होती है क्या? और ये इतना सारा कड़ी पत्ता, हम आलू की सब्जी बना रहे हैं मेरे भाई, कड़ी पत्ते की नहीं। आलू की सब्जी में कड़ी पत्ता डालते हैं, कड़ी पत्ते की सब्जी में आलू नहीं डालते हैं। पापा, मैं इतना सारा कड़ी पत्ता इसमें नहीं डालने वाला था। तो आधा कड़ी पत्ता नारियल की चटनी में डालने वाला था। चटनी में कड़ी पत्ता? पापा, अभी ऐसे मत बोलना कि नारियल की चटनी में कड़ी पत्ता नहीं डालते। मैं हमेशा नारियल की चटनी में उड़द, मिर्ची और कड़ी पत्ता का तड़का लगाता हूँ। अरे होए गए, नहीं नहीं ऐसा यहाँ नहीं चलेगा। अरे अजीब जबरदस्ती कर रहे हैं आप, मतलब तू अपनी मनमानी करेगा? अरे पापा, मैं गैस कम करो और गैस भी, टिंग टिंग डिंग, ये आपका तड़का जल रहा है। क्या इतना तेज? अभी आपके पास सिर्फ 27 मिनट बचे हैं, फिर किचन हमारा। क्या 27 मिनट? घड़ी आगे करके बोल रही है ना, 27 मिनट बचे हैं। कौन सी घड़ी? भारती, डरा क्या रही है मुझे? फिर आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? भारती भाभी, शांत हो जाइए। और पापा, ये सब बहस करने में ना आपने और 3 मिनट गवा दिए। अब आपके पास 24 मिनट बची है। भारती बहनी, छोटी बच्ची का इशारा कर। हाँ भाई, हाँ पता है मुझे, बच्ची का इशारा करके 24 मिनट बची है ऐसा बोल रही है, पता है। रॉन्ग, अभी सिर्फ 22 मिनट बची है। वो इशारा समझाने के चक्कर में 2 मिनट और चली गई। तू एक काम कर, तू कुछ मत कर, तू जा, खाना मैं बना लूंगा। ठीक, अभी सब कर लो। हाँ करूंगा, जा तू। ये आलू काटे इसने आड़े टेढ़े। ए गायत्री, नारियल की चटनी में कड़ी पत्ते का तड़का लगाने की बात कर रहा है अभिषेक। भारती भाभी, हाँ? आपने इस हनीमून कपल को देखा? अन्ना की सोच में परिवर्तन आने वाले थे, एक दूसरे की सोच में परिवर्तन नहीं ला पा रहे। तू ऐसे खी करके हंस मत, वरना मैं महेंद्र, अभिषेक और गायत्री को एक करने के लिए आपको वहां से सटकना पड़ेगा। अभिषेक गायत्री पे गुस्सा है या गायत्री अभिषेक पे गुस्सा है, वो जो भी हो, लेकिन मुझे ठंडे दिमाग से उन दोनों को एक दूसरे के करीब लाना है। सॉरी सॉरी, मैं थोड़ा ज्यादा गुस्सा हो गया ना, मैं गलत था। मैंने कहा था ना कि हम आपस में शांति से रहेंगे। भारती, हा? तू खाना बनाने में मेरी हेल्प कर देना। देख, हम दोनों के बीच तो कोई अनबन नहीं है ना, है ना? हाँ। तेरा ये भाई और देवर दोनों भूखे रहेंगे तो अच्छा लगेगा तुझे। भाई 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 भाई, नहीं नहीं, कहीं भूख के मारे अब चक्कर खाकर मर गए तो। ए भारती, शुभ शुभ बोल। बर बर, कहीं भूख के मारे अब चक्कर खाकर कोमा में चले गए तो। ओह, ये इसका शुभ था, बोलो। हाँ, तो जिंदा तो रखा ना आपको, तो हुआ ना थोड़ा शुभ शुभ। कुछ सालों बाद निकाल लूंगी आपको कोमा से। उससे अच्छा भारती, तू खाना बनाने में मेरी हेल्प कर दे। आप लोगों का टर्न होगा तब मैं हेल्प करूंगा ना। भारती भाभी, हाँ, हम गोखलेस हेल्प करते हैं, लेते नहीं। वाईडी कर दी जिनकी हेल्प। बरबर, चलिए। लेकिन पापा, अब आपके पास सिर्फ 20 मिनट बचे हैं, उसके बाद किचन हमारा। हाँ भाई, हाँ, आप लोगों का, अभी तो जाना, खाना बनाने दे हमको। आजा। हाँ भारती, देख, आलू की सब्जी बनानी है, दाल बनानी है और रोटी बनानी, ठीक है? बना फटाफट, बना फटाफट, 20 मिनट ही अपने पास। गई मेरी। ओ,
पप्पा पैक करूंगा। गायत्री